सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेकटॉक्स के फ्रेश एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों करते शुरुआत सबसे पहले पुराने पोल से, यार जब सवाल ये था कि क्या आपको लगता है कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया में आ जाएगा बिना किसी दिक्कत के, तो आप से बोला है 72% ने हाँ जी हाँ आने वाला है, और ऐसे में 28% बोलता है कि नहीं भाई बड़े डर का माहौल है। यहाँ पर दोस्तों ऐसे में आज का सवाल आपसे ये है कि इंडिया में यार जब 5G आएगा तो आपके हिसाब से कौन देगा 5G की सबसे तेज स्पीड? क्या वो एयरटेल होगा या BSNL होगा या जियो होगा या वोडाफोन आइडिया वाले होंगे? मतलब कहाँ मिल जाएगा भैया सबसे तेज स्पीड? मुझे बताना जरूर कि आपका जवाब सीधा पोल सेक्शन में जाते हुए नीचे कॉमेंट करते हुए और हमेशा हर की तरह वीडियो में मिस मत करना, दबा डालना सीधा लाइक बटन को। अब दोस्तों बात करते हैं पहले वीडियो को लेकर, निकल के आता है इंस्टाग्राम की तरफ से, जहां पे इंस्टाग्राम जो है वो अभी व्हाट्सएप पे रिलाय करने वाला है अपनी सिक्योरिटी को इंप्रूव करने के लिए लॉगिन के टाइम पे। इस सिक्योरिटी व्हाट्सएप पर डिफरेंट नहीं हो गया है, बट एनीवेज इंस्टाग्राम शायद यहां पे कुछ नया प्लान कर रहा है कि हाँ आप जब आप लॉग इन करें तो हो सकता है आपको OTP वगैरह आपके व्हाट्सएप पे आए, मतलब हो सकता है, लेट्स सी क्या कैसे चीजें प्लान होती हैं। वैसे माया जाल बुना हुआ है फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप वगैरह ने मिलके। अगला दोस्तों अपडेट निकल के आता है हमारे पास में बीट्स स्टूडियो बड्स को लेके, और यहाँ पे दोस्तों ये शायद बहुत जल्दी लॉन्च हो सकते हैं एप्पल की तरफ से नए ब्रांड न्यू TWS बीट्स ब्रांडिंग के साथ में। बस देखते ही है कि एप्पल इनको कब लॉन्च करता है और किस कीमत के साथ में। अगला दोस्तों अपडेट निकल के आता है हमारे पास में OnePlus को लेके। OnePlus का दोस्तों टीवी जो है वो इंडिया में लॉन्च कर दिया है OnePlus ने। आप दोस्तों ये है 40 इंच का वाई सीरीज का 40Y1 टीवी। यहाँ पे दोस्तों इस जो टीवी की प्राइस है वो है 23,999 रुपये, एक अफोर्डेबल टीवी है। और अगेन वन प्लस वाला जो आप जानते हैं जो कंप्लीट आपको मिल जाता है टीवी का UI वो आप इस टीवी में देख पाएंगे। अगला दोस्तों अपडेट निकल के आता है DJI को लेके, और यहां पर दोस्तों रोबो मास्टर टेलो टैलेंट ड्रोन आ गया है। हाँ इतना लंबा नाम है, रोबो मास्टर टेलो टैलेंट ड्रोन। यहाँ पर दोस्तों ये एडुकेशनल पर्पज के लिए डिजाइन किया गया ड्रोन है, छोटा सा क्यूट सा ड्रोन है DJI की तरफ से, जो शायद बच्चों में थोड़ा लर्निंग वर्निंग को और एनहेंस कर पाएगा। यहाँ दोस्तों अगली कहानी आती है हमारे पास में एप्पल को लेकर, और एप्पल जो है वो आईपॉड टच शायद लॉन्च कर सकता है बहुत ही जल्दी। और यहाँ पर दोस्तों बात कर रहे हैं एक नए लेटेस्ट 8th जनरेशन वाले आईपॉड टच की। मतलब आई थिंक 2 साल पहले आया था 2019 में 7th जनरेशन वाला, जो कि मैंने परचेज भी किया था और काफ़ी सही था वो, एकदम ऐसे वो अलग ही फीलिंग देता है। तो अभी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लेटेस्ट वाले ऑल डिस्प्ले वाले की, हो सकता है एप्पल लॉन्च कर दे। अगला दोस्तों अपडेट निकल के आता है यहाँ पे रियलमी X7 मैक्स 5G को लेके, और यहाँ पे दोस्तों इंडिया में इसकी जो डेट है वो सामने आ गई है जो कि है 31st of May। तो अभी ऐसे में देखते हैं कि जो रियलमी है वो इस फोन को किस कीमत पे इंडिया में लॉन्च करता है, साथ में एक स्मार्ट टीवी भी लॉन्च हो सकता है। तो लेट्स सी कि आखिर रियलमी क्या क्या नए नए प्रोडक्ट्स लेके आता है सीधा 31 मई को। यहाँ पर दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है व्हाट्सएप को लेके, और यहाँ पर जो व्हाट्सएप है उसने दोस्तों जो डेडलाइन वाली थी ना वो चीज़ें कि भैया एक्सेप्ट कर लो वरना डिलीट कर देंगे अकाउंट वरना ऐसा हो जाएगा, तो यहाँ पर अभी वो चीज़ें एक्सटेंड करके अभी 19 जून हो गया है कुछ कुछ रीजन्स में। देखते हैं कि इंडिया में क्या निकलता है पूरा सीन। भाई कोर्ट में बातें चल रही है फिलहाल, तो अभी हम कुछ कमेंट नहीं करेंगे। अगला दोस्तों अपडेट निकल के आता है सीधा यहाँ पे Asus को लेके, और Zenfone 8 सीरीज दोस्तों जो है वो इंडिया में अभी यहाँ पे आ रही है, लेकिन यहाँ पे जो नाम है इसका वो 8Z हो सकता है, बिकॉज अगेन दोस्तों आप जानते हैं कि जो Zen और Zen मोबाइल वाला जो पूरा वो ट्रेडमार्क वाला सीन चल रहा था, तो ऐसे में भी इंडिया में Zenfone नाम जो है वो Asus यूज़ नहीं कर सकता है, तो इसीलिए शायद हम देखेंगे बहुत जल्दी Asus इंडिया में लॉन्च करेगा अपना ऑल न्यू 8Z स्मार्टफोन। अगला दोस्तों अपडेट निकल के आता है यहाँ पे पोको को लेके, और पोको भैया यहाँ पे हम बातें कर रहे हैं कि कुछ नया नया नया, और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं बीस्ट का जो कोने में दोस्तों ताकत मिलने का है पूरा सोर्स, वो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 800 सीरीज का प्रोसेसर। अभी 870 है या 888 है या क्या है वो हम लेट्स सी, और क्या ये फोन इंडिया में पोको लेके आता है क्या? और वैसे जो पोको F3 और पोको पता नहीं क्या क्या सपने ही देखे हैं हमने, देखते हैं रियलिटी में कब तक कन्वर्ट होते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया को लेके, और यहाँ पर दोस्तों स्पेलिंग का गेम चल रहा है, जहाँ पे ये निकल के आया है पोस्टर, दो दोस्तों चाय रखी है और नीचे आप देखेंगे तो मैप के नीचे दोस्तों लिखा हुआ है इरांगल, लेकिन यहाँ पर जो स्पेलिंग है वो है ERANGLE, जबकि दोस्तों पबजी में इसकी स्पेलिंग थी ERANGEL, तो एल और ई को बस थोड़ा सा आगे पीछे किया गया है। तो यार कहीं ना कहीं जो दोस्तों बातें थी जो नो एमएलए ने लेटर लिखा था
हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को इस गेम के बारे में कि सिर्फ चीज़ों को रीनेम करके और आगे पीछे करके सेम गेम दोबारा लॉन्च किया जा रहा है, तो यार वो भी एक चीज़ है यहाँ पे भी। अभी हम लेट सी कि क्या दोस्तों रहता है पूरा फ्यूचर। मेरा पूरा जो क्या बोलते हैं उसको समर्थन सभी गेमर्स के फेवर में कि यार बस इंडिया में गेम जल्दी से आए। और हाँ, जिम्मेदारी क्राफ्टन की भी है कि जो डेटा वगैरह है वो बिल्कुल एकदम से सिक्योरिटी से हमारा रखे और जो गवर्नमेंट की पूरी गाइडलाइंस उनको फॉलो करे, लेकिन गेम को खैर एंजॉय कर पाए, मतलब इट शुड बी अ विन 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 सिचुएशन फॉर एवरीवन। अब लेट्स सी क्या होता है फ्यूचर। वैसे मैप टीज कर दिया है, आप कितने एक्साइटेड हैं मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना। अगला दोस्तों अपडेट निकल के आता है हमारे पास में नेटफ्लिक्स को लेके। आज तो भी एंड में सारी गेमिंग की खबरें लेके आ रहा हूँ भैया। यहाँ पर दोस्तों नेटफ्लिक्स जो है वो कुछ नया गेमिंग वाला सीन कर सकता है, जहां पर दोस्तों गेमिंग इंडस्ट्री में अगर नेटफ्लिक्स आ गया, सोचो अगर आपको जो है वो बहुत हाई एंड गेम स्ट्रीमिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, तो मतलब यार ये एक अलग ही नो मजा आ जाएगा। क्लाउड गेमिंग वगैरह का पूरा उठाते हुए आप जो है वो एंजॉय कर पाएंगे। तो यहां पे भी नेटफ्लिक्स के गेम्स या कुछ गेमिंग इंडस्ट्री में नेटफ्लिक्स शायद जल्दी ही कुछ कर सकता है। अगला दोस्तों अपडेट निकल के आता है इंडिया में उन लोगों के लिए जो कि PS5 का इंतजार कर रहे थे, पहले नहीं ले पाए फिर नहीं ले पाए, लेकिन अब दोस्तों यहां पे 27 मई को दोबारा ये आने वाला है प्री बुकिंग के लिए। तो अगर आपके मन में है क्या बोलते हैं उसको शुभ विचार और अगर जेब में है थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा, तो सीधा ले पाएंगे PS5 27 मई को। अगला उसको अपडेट निकल के आता है लास्ट यहां पे GTA 5 को लेके। और यहां भैया एक प्लेयर ने कोई डैमेज नहीं लिया और गेम को कुछ 9 घंटे में कंप्लीट कर दिया, मतलब ये दोस्तों रिकॉर्ड बन गया है। भाई स्पीड रनिंग करते हैं दोस्तों काफी लोग, वो 3.5 घंटे के अराउंड गेम खत्म कर देते हैं, लेकिन ऐसे में वो डैमेज की परवाह नहीं करते, काफी कुछ उनको स्किप वगैरह करते हैं। और यहाँ पे वैसे जो टाइम लगता है दोस्तों वो कुछ 30-32 घंटे के आसपास का लगता है, लेकिन यहाँ पे 9 घंटे में मतलब 48 अटेम्प्ट लगे हैं, लेकिन उसके बाद में कोई डैमेज नहीं लिया और पूरा गेम कंप्लीट कर दिया GTA 5। बोलते हैं हो गया ना। तो वैसे आपने GTA 5 क्या पूरा खत्म किया है क्या, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और क्या आपका फेवरेट पार्ट है इस गेम के बारे में। तो दोस्तों बस फिलहाल इतना ही है, देखने के लिए आपको पसंद बाद मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई और सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। तो फिलहाल इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।